राधिका आप्टे ने फैंस को दिया है सरप्राइज। दोस्तों, बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस राधिका आप्टे को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। एक्ट्रेस ने फैंस को गुड न्यूज दी है। जी हाँ, एक्ट्रेस जल्द ही माँ बनने वाली है। हाल ही में राधिका का एक फोटो सोशल मीडिया पर सामने आया जिसमें वो अपना बेबी बम्प फ्लॉन्ट कर रही हैं। राधिका का बेबी बम्प देखकर फैंस खुशी से झूम उठे हैं और उन्हें बधाई भी दे रहे हैं। दरअसल हाल ही में राधिका आप्टे को उनकी फिल्म सिस्टर मिडनाइट के यूके प्रीमियर में देखा गया। इस दौरान राधिका ने ब्लैक कलर की ड्रेस कैरी की थी और अपने लाइट लुक से मेकअप को कंप्लीट किया। राधिका के लुक को देखकर फैंस ने उनकी खूब तारीफ की। हालांकि यूजर्स का ध्यान राधिका के बेबी बम्प पर अटक गया क्योंकि अब तक एक्ट्रेस ने इस चीज को रिवील नहीं किया है, ना ही कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है। वेल, इन फोटोज में आप देख सकते हैं रेड कार्पेट पर राधिका ब्लैक ड्रेस पहनकर अपना बेबी बम्प फ्लॉन्ट कर रही हैं। एक्ट्रेस के बेबी बम्प को देखकर उनके फैंस और चाहने वाले खुशी से झूम उठे हैं और उन्हें जमकर बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस की ये फोटोज वायरल हो रही हैं। हर कोई एक्ट्रेस के लिए बेहद खुश है। इतना ही नहीं, राधिका आप्टे ने खुद भी अपने इंस्टाग्राम पर इस इवेंट से फोटोज को शेयर किया। जी हाँ, एक्ट्रेस ने जो पोस्ट किया है उसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है सिस्टर मिडनाइट प्रीमियर। एक्ट्रेस के इस पोस्ट पर यूजर्स ने जमकर कमेंट्स किए हैं। कई यूजर्स ने एक्ट्रेस को बहुत बहुत बधाई लिखा तो वहीं कुछ यूजर्स राधिका के लुक की तारीफ कर रहे हैं। वेल, इन्हीं सब के साथ आपको बता दें, राधिका ने ब्रिटिश म्यूजिक कंपोजर बेनेडिक्ट टेलर के साथ शादी की है। एक्ट्रेस शादी के 12 साल बाद मां बनने वाली है। एक्ट्रेस ने अपनी शादी की खबर किसी को नहीं लगने दी थी और सीक्रेट वेडिंग की थी। बॉलीवुड में बहुत कम लोग जानते हैं कि एक्ट्रेस शादी कर चुकी हैं। वहीं अब दूसरे सेलेब्स की तरह उन्होंने इस खबर को भी लोगों के साथ शेयर नहीं किया था, लेकिन एक्ट्रेस ने अब खुद ही अपना बेबी बम्प फ्लॉन्ट किया है और अपनी फोटोज को शेयर किया। वेल, आप क्या कहना चाहते हैं एक्ट्रेस के लिए, कमेंट करके हमें अपनी राय बताइए। इसी तरह टीवी बॉलीवुड से जुड़ी हुई ढेर सारी अपडेट के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक के पेज को फॉलो करें।